अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ गोभी मटर आलू बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये विंटर की एक खास रेसिपी है, हर घर में बहुत शौक से बनाई जाती है। आप इस मेथड से गोभी मटर आलू जरूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। आइए हम देख लेते हैं गोभी मटर आलू बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। आलू गोभी मटर की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए 250 ग्राम है गोभी, और तीन बड़े साइज के थे मेरे पास आलू, तो मैंने इनको छील के और क्यूब में काट लिया है। और इधर मैंने ले लिया तीन मीडियम साइज का टमाटर था मेरे पास, तो मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है इनको। और ये है एक कप मटर, और तीन से चार हरी मिर्च मैंने बारीक में काट लिया है। और ये है लार्ज साइज का प्याज, मैंने इसको स्लाइस में काट लिया है। दो टेबल स्पून है क्रीम, आप दूध की जमी हुई बालाई भी ले सकते हैं। और ये हाफ टी स्पून रायदाना, ये है 1/4 टी स्पून हींग, हाफ टी स्पून है सफेद जीरा, हाफ टी स्पून है लहसुन का पेस्ट, और एक इंच का टुकड़ा था अदरक का, तो मैंने इसको बारीक बारीक ग्रेट कर लिया है, क्योंकि आलू गोभी मटर की सब्जी में ग्रेट की हुई अदरक डालो तो उसका टेस्ट और बढ़ जाता है। मसाले पाउडर इस तरह से है कि ये हाफ टी स्पून है हल्दी पाउडर, और ये हाफ टी स्पून है भुना जीरा पाउडर, 1 टीस्पून है नमक, और ये है 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून है गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून है धनिया पाउडर, और ये हाफ टी स्पून है मैंने ले लिया रेड चिली पाउडर। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। सबसे पहले हम इधर कढ़ाई ले लेंगे और कढ़ाई में डाल देंगे मस्टर्ड ऑयल, ये मैंने 2 टेबल स्पून डाला है, और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, इसमें डाल देंगे हम आलू और गोभी। मीडियम टू फ्लेम पे आलू और गोभी को हम 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मटर, एक कप मैंने मटर ली थी, ये मटर डाल देंगे इसमें, और 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको भी इसी के साथ भून लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैंने मटर भी डाल के फ्राई कर लिया है, और ये देखिए आलू गोभी मटर बहुत बेहतरीन फ्राई हो चुके हैं, और इनको हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। इधर मैंने वही कढ़ाई ले ली है, सब्जियों को निकाल के एक प्लेट में रख दिया है, और इसमें हम फिर से डाल देंगे ऑयल 4 से 5 टेबल स्पून। मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। इसको गर्म हो जाने देंगे और इसमें डाल देंगे ये हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून रायदाना, और ये हाफ टी स्पून है हींग, और ये हरी मिर्च डाल देंगे। थोड़ा सा करकल होने देंगे ताकि इनकी खुशबू तेल में रिलीज हो जाए, और इसी के साथ डाल देंगे प्याज। 2 से 3 मिनट के लिए प्याज को फ्राई कर लेंगे, जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं आती, गुलाबी नहीं हो जाती, तब तक कि इसको हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैंने इसको फ्राई कर लिया है, और इसमें हम ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून ये है लहसुन, और ग्रेट की हुई ये अदरक। ग्रेट की हुई अदरक डालिएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे, और इसी के साथ डाल देंगे ये सारे मसाले पाउडर 2 से 3 मिनट के लिए, इनको भी भून लेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये मसाले जले नहीं। थोड़ा सा पानी मैंने डाल लिया है, और इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लेते हैं। और अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, इसको भी हम भून लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे, जब तक भूनेंगे कि जब तक टमाटर का पानी ड्राई नहीं हो जाता। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, भून गए हैं, और इसमें हम डाल देंगे क्रीम। क्रीम ऑप्शनल है, लेकिन क्रीम डालने से टेस्ट बढ़ जाता है और ग्रेवी में रिचनेस आ जाती है। और क्रीम के साथ भी हम इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे। क्रीम को भी डाल के हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लिया है, और इसमें हम ऐड कर देंगे सब्जियां फ्राई की हुई। सब्जियों को हमने मिला लिया है, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा 100 ml के करीब पानी। आप चाहें तो खोल के भी पका सकते हैं 10 से 12 मिनट के लिए, लेकिन मैं इसमें लीड लगा दूंगी और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको कर दूंगी, और इसमें लगा दूंगी लीड 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट के लिए हम कुक करेंगे सब्जियों को, क्योंकि सब्जियां हमारी ऑलरेडी फ्राई हैं पहले से, तो बहुत जल्दी कुक हो जाएंगी। 10 से 12 मिनट हो गया है, और हम चेक कर लेते हैं, लीड हटा लेंगे, और ये देखिए आलू मटर गोभी की सब्जी बन के तैयार हो गई है। यहाँ हमने आलू गोभी और मटर को जो अलग से फ्राई किया था, कितना अच्छा कलर देखिए लग रहा है इसका, और अब तो और बेहतरीन लाजवाब ये बन के तैयार हो गई है। और अब हम इसमें डाल देते हैं हरा धनिया काट के, आप यहाँ पर डाल सकते हैं हरी मिर्च भी काट के, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। और ये लीजिए आलू गोभी मटर की सब्जी बन के रेडी हो गई है,
फ्लेम को हम ऑफ कर देंगी और इसको सर्व कर लेंगी। तो चलिए हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो आलू गोभी मटर की सब्जी डिलीशियस यमी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए, इसको आप रोटी से, पराठे से, किसी भी चीज़ से खाइएगा, बहुत लाजवाब लगेगी और बहुत मज़े का जायका इसका रहेगा। इसी मेथड से बनाइएगा आप आलू गोभी मटर की सब्जी, तो बहुत बेहतरीन बनेगी आपकी आलू गोभी मटर की सब्जी। आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो वन टाइम सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।